खबर कोटा के उद्योग नगर से है, जहां पर दंपत्ति के बीच कहासुनी होने पर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने मृतक का शव को MBS अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। बता दें SI मुकेश कुमार ने बताया कि दंपत्ति के बीच मामूली कहासुनी हुई थी। मृतक के पास किसी तरह का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। गले में निशान थे, सुसाइड का मामला सामने आने पर मृतक संदीप को उसके पिता और परिजनों के साथ MBS में लेके आए हैं। अभी रिपोर्ट नहीं थी, रिपोर्ट देने पर जैसे सूरत वैसे कार्रवाई कर। नहीं, आपसे कोई कास झगड़ा नहीं हुआ, थोड़ी कास सुनी हो जाती है तो रात को अलग अलग सो रहे थे। पिताजी ने बोला कि भाई तुम दोनों अलग अलग सो जाओ शांति से, ऐसी कोई बात नहीं, कोई गंभीर झगड़ा नहीं हुआ। मृतक संदीप क्या कर रहे थे? किसी आराम मशीन पर मजदूरी का काम करता था। कहाँ के रहने वाले? कौन से? प्रेम नगर दित्ते केलादारी मंदिर के पास मकान उनका।